Students, today's aim is to perform the ground staining with a given sample of curd. This is curd and this is dropper to put the sample on slide. And this is dyes which have been used in experiment of ground staining. This is crystal violet dye. This is a primary stain and this is iodine solution. Okay. Then second is the ethyl alcohol solution and last one is the safranin. This is a secondary stain. Okay, so let's perform the experiment. I have two slides which have been washed and dried properly. Okay, I have put a drop of curd on slide, then spread curd in this slide with the help of another slide. I have spread curd all over the slide to prepare a smear. To fix the sample, I have used a Bunsen burner for the purpose of heat fixing. Note one thing, students, please carefully prepare a smear . Don't overheat this smear, only light heating. We have to properly dry that smear. The sample is, the smear is properly prepared. Okay, this is the first step of experiment, and then in next step I have to put crystal violet. सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट डाई रखेंगे. पुट अ वन ड्रॉप ऑफ अ क्रिस्टल वॉयलेट ऑन अ स्मियर. Okay, then mix it properly. Took another slide. Okay, अब हमें क्या करना है, हम अगर इसको स्लाइड की हेल्प से इसे स्प्रेड करेंगे तो हमें जब भी हम लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आएगा, हमें स्लाइड जो स्लाइड है स्लाइड से स्प्रेड किया हुआ है वो सारा का सारा हमें इसके ऊपर क्या दिखाई देगा, निशान दिखाई देंगे. तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने हैंड से इसे प्रॉपरली मैं मिक्स करने की ये कोशिश कर रही हूँ. टुक फॉर अ वन मिनट. आफ्टर वन मिनट वॉश विद अ माइन्यूट वाटर. जो भी एक्सेसिव डाइंग होगी हमारी वो क्या है, हमें वो शॉर्ट कर देगी. आफ्टर दैट आई हैव टू ऐड आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन सॉल्यूशन विल फिक्स द कलर ऑफ अ डाई विच हैव बीन यूज्ड प्रीवियसली. Then left it for 1 minute. जो क्रिस्टल वॉयलेट होती है और आयोडीन का सोल्यूशन होता है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. तो जो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर ठीक प्रेजेंट होती है. तो उनके अंदर क्या हो जाता है, हमारा ये वॉयलेट कलर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है. अभी तो हमारे जो ग्राम पॉजिटिव भी है और ग्राम नेगेटिव भी है, उन सबके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, वॉयलेट कलर को फिक्स किया हुआ है.
ठीक है। बट जब हम इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जब इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे, इथाइल अल्कोहल क्या करता है, हमारे एक जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें वॉश आउट करने का काम करता है, ठीक है। जस्ट क्या है, सेकेंड्स के लिए, जस्ट फॉर 25 सेकेंड्स हम क्या करेंगे इसे 25 सेकेंड्स के लिए इसे लेफ्ट छोड़ देंगे और उसे क्या कर देंगे, आफ्टर दैट इट इज वॉश वॉश आउट हो जाए। Then this is the last step of ground staining at secondary stage. Add safranin dye. Left for a 1 minute, then this light will be air dried, and after that we observe in a microscope that the gram positive bacteria are purple in color and the gram negative are pink in color. Put it under microscope to observe gram positive and gram negative bacteria. Then set the microscope. I can see that the gram-positive bacteria are purple in color and gram-negative are pink in color. ठीक है, तो इससे क्या होगा, अल्कोहल यानी लिपिड लेवल, जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो पर्पल कलर होगा वो वॉश आउट हो जाएगा। बट जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर क्या है, वो आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बना था उसकी वजह से वो कलर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा स्टेप होगा, उस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा ऐड करेंगे सेकेंडरी स्टेज, दिस इज सेफ्रानिन। ओके, देन हम क्या करेंगे, सेफ्रानिन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमारे सेकेंड कलर के बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उनके ऊपर क्या है, वो कलरलेस हो गए थे, उनके ऊपर कौन सा कलर दिखाई देगा हमें, पिंक। तो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा कि ग्राम पॉजिटिव वो हमें वॉयलेट कलर में दिखाई देंगे और ग्राम नेगेटिव हमें क्या दिखाई देंगे, पिंक कलर में दिखाई देंगे। अब आयोडीन सॉल्यूशन को रखे हुए हमारे सेकंड स्टेप में इसे 1 मिनट हो चुका है, तो हमें जो भी एक्स्ट्रा है हम इसे क्या करेंगे, वॉश आउट कर देंगे। हमने क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा था हमारा वो हमने इसको वॉश आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, डीकलराइजर ऐड करना है, दिस इज इथाइल अल्कोहल। हमें इसे जस्ट क्या है, सेकेंड्स के लिए, जस्ट फॉर 25 सेकेंड्स हम क्या करेंगे इसे 25 सेकेंड्स के लिए इसे लेफ्ट छोड़ देंगे और उसे क्या कर देंगे, आफ्टर दैट इट इज वॉश वॉश आउट हो जाए। Then this is the last step of gram staining at secondary stage. Add safranin dye. Left for a 1 minute, then this light will be air dried, and after that we observe in a microscope that the gram positive bacteria are purple in color.